महाराष्ट्र में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है और अपनी जोरदार तैयारियां शुरू कर दी है। मिशन 45 प्लस के लिए बीजेपी की मोर्चाबंदी शुरू हो गई है। ये बात सामने आई है कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में मिशन 45 प्लस के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र बीजेपी में कई बड़े चेहरों को लोकसभा का टिकट दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने मिशन 45 लॉन्च किया है। बीजेपी ने महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 45 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। इसी मिशन के लिए चंद्रपुर से सुधीर मुनगंटीवार, जलगांव के रावरे से गिरीश महाजन, सोलापुर से राम सातपुते, ठाणे से संजय केलकर या रविंद्र चव्हाण और दक्षिण मुंबई से राहुल नार्वेकर को टिकट मिलने की संभावना है। बीजेपी के सूत्रों के मुताबिक लोकसभा की उम्मीदवारी जीतने की क्षमता पर आधारित होगी। बता दें कि केंद्रीय मंत्री महाराष्ट्र के लोकसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और उनके जरिए कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने 16 विधानसभा क्षेत्रों का चयन किया है। इनमें से 10 सीटों पर शिवसेना का दबदबा है। बताया जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व महाराष्ट्र में कुछ सांसदों के प्रदर्शन से नाखुश है। जेपी नड्डा और अमित शाह ने मुंबई का दौरा किया और सांसदों के प्रदर्शन की समीक्षा की। इसके बाद विश्वस्त सूत्रों ने जानकारी दी है कि मुंबई में भी कुछ जगह पर बदलाव की संभावना है। चुनाव में बीजेपी हर सांसद को पिछले 5 साल का प्रदर्शन देखकर ही टिकट देने जा रही है और कुछ दिनों में नामों पर चर्चा होगी और सूची की घोषणा कर दी जाएगी। डेस्क रिपोर्ट, मुंबई महानगर।